हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज। आज की जो रेसिपी है वो है चॉकलेट पैनकेक की, और ये रेसिपी बच्चों की तो बिल्कुल फेवरेट है, और ये 3 इंग्रेडिएंट से झटपट से बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओरियो बिस्किट, 5 पैकेट्स ले रही हूँ 10-10 वाले, और अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के लिए इन्हें ओपन करके मैं डाल रही हूँ एक जार में। तो इस तरीके से सारे बिस्किट्स को जार में डाल लेंगे, और अब मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। तो बिस्किट्स अच्छे से हो गए हैं ग्राइंड, तो अब मैं इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 145 ml मिल्क, और इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। तो अच्छे से विस्क करके हम इसका एक स्मूथ सा बैटर इस तरीके से बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है, और इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3/4 TSP बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से कर लेंगे विस्क। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 TSP वेनिला एसेंस, और बस अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो बैटर हो गया है तैयार। तो चलिए बनाते हैं पैन केक। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, और अब ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है बिस्किट वाला, इसको हम पैन में पोर करेंगे। तो ये मैंने बैटर डाल दिया, और अब लिड लगा करके इसे हम 2 मिनट तक कुक होने देंगे, बेक होने देंगे। तो 2 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे कर देते हैं फ्लिप, और फिर से 1 मिनट तक लिड लगा करके इसे बेक करेंगे। तो ये अच्छे से हो गया है बेक। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से मैं बना रही हूँ दूसरा पैनकेक। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको बनाना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने 2 पैनकेक बना लिए, और ये देखिए कितने यमी दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से करके मैंने सारे पैनकेक बना लिए हैं, और ये बहुत ही यमी लगते हैं, बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।